आज मैं आप लोगों को टॉप 10 स्पिरिचुअल मूवीज के बारे में बताऊंगा। टॉप 10 स्पिरिचुअल मूवीज। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मूवीज स्पिरिचुअल नहीं होती। स्पिरिचुअल केवल हम हो सकते हैं। मूवीज़ केवल एंटरटेनमेंट होती हैं और कुछ नहीं होती। हो सकता है हम लोग स्पिरिचुअली एंटरटेन होना चाहें, हमारी अभी इतनी हमारे अंदर इतनी शांति इतना पेशेंस नहीं आया कि हम अपने आप को खोजने के लिए मूवी को यूज़ ना करें, क्योंकि अपने आप को खोजने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। जब तक डिस्ट्रैक्शंस दूर नहीं होंगे तब तक अवेयरनेस नहीं मिलेगा। बिकॉज अवेयरनेस नाम की जो चीज़ होती है वो अगर फ्यूल की तरह ऑक्सीजन की तरह हमारे अंदर है तो उसको कंज्यूम करने वाला हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं। तो हम कभी भी अवेयर नहीं रह सकते अंटिल हम एक ही चीज़ के बारे में जान सकते हैं और वो है हमारे थॉट्स, जो अवेयर हो जिसके बारे में अवेयर होते हैं। जिस समय आधे पौन घंटे आप एक मूवी देखेंगे उतनी देर तक तो आप बेहोश ही रहेंगे। इसलिए ये उम्मीद करना कि स्पिरिचुअल मूवी है उनको देख करके मैं एनलाइटन हो जाऊँ या मेरे अंदर में मोटिवेशन भी आए, ये मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। तो फिर क्यों हम देखें मूवी, क्योंकि बनाई है किसी ने एक टॉपिक सब्जेक्ट पे। और स्पिरिचुअल मूवीज हम लोगों को थोड़ा सा गहरे क्वेश्चंस के बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। एक हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उनका नाम है मैरी जिम्बलिस्ट, बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी। तो उनके जब हस्बैंड, वो भी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ थे, उनकी जब डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मैरी जिम्बलिस्ट बहुत अकेली हो गई, उदास हो गई। तो उनके एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी वो अपने आप अपने मन की स्थिति को शेयर करने के लिए उनसे। तो उन साइकेट्रिस्ट ने बोला कि मेरे से काउंसलिंग कराने के बजाय तुम कृष्णमूर्ति से मिलो, कृष्णमूर्ति नोज मच मोर अबाउट माइंड एंड ब्रेन देन एनीबडी एल्स ऑन द प्लानट, जिसको भी वो जानता था। और वो प्रॉपर ट्रेन साइकेट्रिस्ट था वो। फिर मैरी जिम्बलिस्ट उनसे मिलने गई थी और उसके बाद वो उनके साथ ज़िंदगी भर रही। और जब उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी है, पूरी कृष्णमूर्ति पर बायोग्राफी लिखी गई है। तो मैं लिस्ट तो बताऊंगा आज 10 फिल्मों की लिस्ट, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इन फिल्मों को इसलिए ना देखें क्योंकि हमको एंटरटेन होना है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिकेट करते हैं और उस इंडिकेशन को खोजना है अपने अंदर में। क्योंकि जो लास्ट मूवी में बताऊँगा मैं, वो बहुत कम लोगों ने उसको पकड़ा होगा। बिकॉज और जिन्होंने भी पकड़ लिया, वो इसका आइडिया पकड़ लिया, तो फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबल हो पाता है। बेसिक आइडिया है कि आप कोई भी चीज़ देखकर या सुनकर अपने इस माइंड को बिलीव कराते हैं, जो नॉर्मली बिलीव नहीं होता है। क्योंकि ये माइंड ढेर सारी चीज़ें जो हमारे साथ पॉसिबल हो सकती हैं और बचपन में होती हैं, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हमारे साथ बचपन में होती हैं। हर बच्चे को फेरीज दिखाई देती हैं, हर बच्चे को ड्रीम्स दिखाई देते हैं रियलिटी में, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमको दिखते नहीं हैं। तो इन मूवीज़ के ज़रिए कुछ मिस्टिकल चीज़ों के बारे में लोग हिंट करते हैं। ज़्यादातर जो आप ऑनलाइन देखेंगे टॉप स्पिरिचुअल मूवीज़, वो सब डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हैं एक्चुअल लोगों के बारे में। जैसे डीटी सुजुकी की आज मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जेन मास्टर्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, आज मैं पढ़ रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उनकी मैंने मूवी खोज रहा हूँ, इट्स 7-8 मिनट का यूट्यूब पर वीडियो है, वो आप देखिएगा टाइम मिले तो। वैसे ये प्रॉपर फिल्म है 1 घंटे की, तो बट वो भी हम नहीं देख पाते, हमको डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने में बड़ी बोरिंग लगती है। तो एंटरटेनिंग मूवीज़ कौन कौन सी हैं स्पिरिचुअल, स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। आप लोगों ने पता नहीं कभी देखी नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी, उसका नाम है जेन नॉयर। नॉयर मतलब होता है कलर। और अजीब पिक्चर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी बिकॉज मैं जेन पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा था कि क्या दिखाना चाहता है। उसमें एक आदमी, पता है जेन लोग बैठते हैं, आप बता रहे ना हाउ टू सिट, तो बैठते हैं जेन, एक आदमी था वो फॉरेनर था, वो जेन मॉन्क बन गया और बाद में वो जब ध्यान करता था तो उसको क्या क्या दिखाई देता था। उसको अपनी कभी वाइफ दिखाई दे, कभी वाइफ के साथ झगड़ा दिखाई देता था, कभी कुछ, यही बार बार उसको मन में जाता था, फिर वापस आ जाता था। पूरी 1.5 घंटे की फिल्म यही है बस। अगर कोई हिम्मत ही नहीं होगा तो देख नहीं पाएगा पूरी पिक्चर।
और इसको देखेगा वही आदमी जो सचमुच में अपने आप भी ऐसे बैठना चाहता है और अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहता है. दिस इज द फर्स्ट मूवी आई विल टेल यू टू ट्राई एंड गो एंड ट्राई टू वॉच. नंबर 8 में कौन, सॉरी 9th में स्टीवन स्पीलबर्ग मेरे फेवरेट हीरो हैं और इस फिल्म का नाम है कैच मी इफ यू कैन. देखा आपने कभी? उसमें टॉम हैंक्स हैं और वो टाइटैनिक का हीरो कौन है? तो इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो हम ही जैसा एक नॉर्मल बच्चा है जो धीमे धीमे चोरी करना, फॉर्जरी करना, फिर नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया और खूब मौज किया उसने. और पूरी फिल्म में उसको पीछे पीछा करने वाला ये एक पुलिस वाला है टॉम हैंक्स. और एक एक बड़ा खास सीन है, उसको ज़रूर देखिएगा आप, इसको मिस मत करिएगा. उसमें टॉम हैंक्स को ये लड़का पता है क्या करता था, अलग अलग नाम से दूसरी जगह पर रहता था. और एक दिन क्रिसमस वाले दिन उसने अपने टॉम हैंक्स को पुलिस वाले को कॉल किया, इधर से चुप. टॉम हैंक्स उधर से समझ गया कि वही चोर है, इसके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ. बोलता तुम हो ना, मैं जान गया तुम मुझे इसलिए कॉल कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है. फिर फाइनली टॉम हैंक्स की और उस चोर की दोनों की दोस्ती हुई. एंड बहुत अच्छा है मूवी का. लास्ट में इसने चोरी छोड़ दी, फोर्जरी छोड़ दिया, नकली नोट बनाना छोड़ दिया और पता है क्या काम करता था? पुलिस को हेल्प करता था फोर्जर्स को पकड़ने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए. बहुत अच्छी पिक्चर है. इट हैज़ गॉट दैट मीनिंग दैट कोई भी आदमी बुरा नहीं है, कोई भी आदमी अच्छा नहीं है, पीपल कैन चेंज. ये इस मूवी का आइडिया था बेसिकली. 8th नंबर की मूवी है कास्ट अवे. देखिए किसी ने, मार्वलस मूवी. एक बंदा उसमें काम करता था कुरियर सर्विस में, तो हवाई जहाज़ों में कुरियर के सामान लेके जाते थे लोग. और एक प्लेन क्रैश हो जाता है और ये जो हीरो है वो टॉम हैंक्स ही है उसमें भी, वो एक ऐसे आइलैंड पे गिर जाता है जहाँ पर कोई इंसान नहीं है. और वहाँ पर कैसे 5 साल तक वो सर्वाइव करता है और फिर 5 साल बाद जब वापस आता है शहर में, तो उसकी जो नॉर्मल रूटीन में हम इतनी चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो कास्ट अवे हो जाता है. कास्ट अवे जानते हैं क्या होता है? किसी को अगर मंत्र डालें उसको बोलते हैं कास्टिंग अ स्पेल, और जब मंत्र हटाया जाता है तो उसको बोलते हैं कास्टिंग अवे. तो जब वो 5 साल तक अकेले एक जगह पर अपने आप को सर्वाइव किया तो बहुत सी झूठ, उसको दुख छू ही नहीं पाया. जब वो वापस आया ना, उसने देखा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ शादी कर चुकी है, ये सोच के कि मेरा पति मर गया है. बट ही वेंट एंड ही सॉ हर एंड ही लेफ्ट. बहुत दुख नहीं हुआ उसको, बिकॉज बहुत बड़े बड़े दुख उसने झेले थे. एक मूवी का बहुत टची सीन है, आप ज़रूर देखिएगा उसको. उसमें ये छोटी सी नाव बनाता है लकड़ियों की और उसको बांध करके वो प्लान करता है कि मैं समुद्र में जाऊंगा और कोई बड़ी शिप कहीं दिख जाए तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ. और ये जब रहता था यहाँ पे आइलैंड पे, उसका एक फुटबॉल भी उसके साथ ही प्लेन में गिर गया था, तो उस फुटबॉल को उसने उसका नाम दे दिया था उसको, और उससे बातें करता था फुटबॉल से. और जब ये जाने लगा उस शिप पर समुंदर में, तो फुटबॉल को भी अपने साथ ले जा रहा था क्योंकि उसका दोस्त है वो, फटा हुआ फुटबॉल. और जब थोड़ी देर जाता है फिर आंधी तूफान आता है तो फुटबॉल नाव से गिर जाती है और ये जैसे किसी आदमी को बचा रहा हो ऐसे स्विम करके उस फुटबॉल को बचाने के लिए जा रहा था, बट वो फुटबॉल बच नहीं पाया. बहुत दुखी हुआ था. ये हमारे अंदर में अटैचमेंट्स होते हैं, लोगों से हम अटैच नहीं होते, हमारे अंदर में अटैचमेंट्स होते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मूवीज, आई लव्ड इट. मेरी दादी ने मुझे मेरे साथ देखा था ये. दी का करा था अकेले ही, का कैसे कितना दिन बचे, मर जाए, बट वो बंदा सर्वाइव किया. 7 नंबर की मूवी है द ट्रूमैन शो. ट्रूमैन शो देखी आपने कभी? जिम कैरी का नाम सुना है? जिम कैरी बहुत कॉमेडियन एक्टर हैं और ये एक ऐसे बंदे के बारे में लाइफ की स्टोरी है जिसमें वो बचपन से लेकर के जवानी तक, उस बच्चे को पता नहीं है कि उसी के ऊपर फिल्म बन रही है. रियल लाइफ स्टोरी, 5000 कैमराज, नकली आइलैंड, माँ बाप नकली, वाइफ नकली, नकली दुकानें नकली, ऑफिस नकली, ट्रैफिक नकली, समुंदर नकली, आसमान भी नकली, सूरज भी नकली, सब कुछ नकली शो बन रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको देखते हैं. और बाद में एक दिन उसको डाउट आ जाता है कि ये सब नकली है, तो कैसे छोड़ के जाता है, जैसे दुनिया भी तो नकली कहते हैं, बट उसको छोड़ के निकलना है हम लोगों को. ये मोटिवेशनल मूवी है, आपको अच्छी लगेगी, बोरिंग पिक्चर नहीं है, बट यू विल सी दैट जब तक नकली चीज़ें होती है आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता, असली चीज़ हर चीज़ को चाहिए. ट्रूमैन शो. 6th पर मैंने रखा है द मैट्रिक्स को. मैट्रिक्स मतलब इल्यूजन, मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मशीन की दुनिया जिसमें मशीनें इंसानों के ऊपर राज कर रही हैं और इंसानों को सुला दिया है हमेशा हमेशा के लिए एक कंप्यूटर की ड्रीम में, हज़ारों लाखों करोड़ों इंसानों को.
और उन आदमियों के जिनको सुला रखा है मशीनों ने, उनकी बॉडी में से हीट यूज़ करके मशीनें अपने आप को सर्वाइव कराती हैं। बट उसमें से कुछ लोग हैं जो निकल आते हैं, मशीनों की गुलामी से निकल आते हैं, और कैसे मशीन और आदमी के बीच में एक सामंजस्य होता है, और उसी प्रोसेस में एक जो हमारा हीरो है कियानू रीव्स, वो एनलाइटन हो जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। मतलब 1994-5-6 तक में तो मैंने इस पिक्चर को बहुत बार देखा है। अपने आप को देख देख के मैं मोटिवेट करता रहता था, नहीं जो भी मुश्किल आएगी मुझे ऐसे ही फाइट करना है, ऐसे ही फाइट करना है, ऐसे ही फाइट। झूठा था, बट कहते हैं ना तिनके को डूबते का सहारा, हाँ नहीं उल्टा है। फिफ्थ में बहुत अच्छी पिक्चर है, श्रद्धा की और मेरी दोनों की फेवरेट पिक्चर है, आप लोगों ने शायद देखी ना हो। उसका नाम है ग्राउंड हॉग डे। आपने देखा है ग्राउंड हॉग डे? एक आदमी की कहानी है, इसमें पता नहीं क्या मिस्टेक हो जाता है, एक उसकी लाइफ के साथ अजीबोगरीब चीज आती है, हर रोज वही रोज है, हर रोज वही रोज है। मतलब आज सोया, उठा, देखा तो सेम अखबार, सेम सॉन्ग, सेम लोग, सेम चीजें। उसको लगा अरे ये तो मैं आज जी के आ चुका हूं। फिर से अगले दिन वो जब जाता है तो अगले दिन जब उठता है तो फिर से वही दिन, अगला दिन आता ही नहीं है। अल्टीमेटली ये बोर हो जाता है और अपने आप को सुसाइड कर देता है। सुसाइड करता है तो फिर से जगता है वही दिन। एक बार समुंदर में कूद के मरता है, एक बार कार एक्सीडेंट करके मरता है, एक बार जहर खा के मरता है, लेकिन रोज वही दिन, वही दिन, वही दिन। अल्टीमेटली उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसको सारी चीजें पता होती कि वो क्या क्या कैसे कैसे होगा, बट उसको पटा नहीं पाता है। बट वो लड़की पटती है, पता है कब? जब ये सच बोलता है उससे। बहुत कुछ सीखता है इस प्रोसेस में वो। यू शुड सी दिस मूवी। कौन सा? ग्राउंड हॉग डे। बहुत अच्छी पिक्चर है, आप देखिएगा। फोर्थ नंबर पे मैं रखूंगा द मूवी कॉल्ड एज गॉड मस्ट बी क्रेजी, भगवान पागल होंगे। सचमुच के आदिवासियों को लेकर के फिल्म बनाया गया है। किस तरह से आदिवासी जो जंगल में रहते हैं हम इंसानों से ज़्यादा समझदार हैं, और वो इंसानों को जो कपड़े उपड़े पहनते हैं ना उनको गॉड बोलते थे ये लोग। कभी कहीं दिख गए, ये लोग तो जंगल में रहते हैं, गरीब हैं, पेड़ों से काट काट के फल फूल खाते हैं, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनको ये आदिवासी गॉड कहते थे। और इतने अजीब होते हैं तुम्हारे गॉड, खून करते हैं, मर्डर करते हैं, ये सब चीज़ समझ में नहीं आती इसको। इट्स ए कॉमेडी मूवी, डायलॉग बहुत कम है, बट किस तरह से ये हमारी दुनिया है, ये आदिवासी ज़्यादा सही तरीके से जी रहे हैं हम इंसानों से, उससे बहुत कुछ सीखा मैंने और ओवरऑल एंजॉय भी किया मैंने इस मूवी को। एक्चुअली जो आइडिया है ना गॉड मस्ट बी क्रेजी, इसलिए दिया है बिकॉज अंग्रेज़ों, सॉरी हमारे जो कोई आदमी हवाई जहाज पर जा रहा था, छोटी सी जेट टाइप की होती है, और उसने पानी पीकर, कोका कोला पीकर बोतल फेंक दिया, वो बोतल इनके कबीले में गिर गया जो आदिवासी थे, और तब भैया लड़ाई शुरू हो गई कबीले में। एक बोलता है बोतल से मैं अचार बनाऊंगी, दूसरा बोलता है नहीं मैं अपना लेदर ठीक करूंगा, बोलता है इसी बोतल की वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई है। तो वो बोतल बोलता है भगवानों ने फेंकी होगी गलती से हमारे यहाँ, तो बोलता है मैं इसको लेके जाऊंगा और दुनिया के उस कोने में फेंकूंगा जहां पर ख़त्म हो जाती दुनिया। तो बस पैदल चलता रहता है बहुत दिन तक, बिकॉज ही सीन थिंग्स गॉड मस्ट बी क्रेजी टू सेंड सच अ थिंग, ईवल थिंग, बोतल जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। लेकिन हमारी लड़ाई तो वैसे भी होती है ना, हमारी बीवियाँ, बच्चे, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बोतल हैं जिससे लड़ाई होती है, जिस वजह से लड़ाई होती है। देखिएगा जरूर गॉड मस्ट बी क्रेजी। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है माइनॉरिटी रिपोर्ट। सुना है आपने माइनॉरिटी रिपोर्ट? स्टीवन स्पीलबर्ग, और हीरो का नाम है कौन है इसमें? टॉम क्रूज। कि किस तरह से दुनिया जब डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी आज, बोलते हैं इतने कम डिस्कवरर्स क्यों हैं, इतने कम साइंटिस्ट क्यों हैं, दुनिया में और भी साइंटिस्ट होने चाहिए। मैंने कहा भाई साहब इतने कम साइंटिस्ट हैं इसलिए दिक्कत कम है, जितने ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे ना नई नई चीज़ें खोजेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ दी जाएंगी। उस आज से 50 साल बाद इस फिल्म में बताया गया कि आज से 50 साल बाद कैसे वर्ल्ड इतना इवॉल्व हो गया है, मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व हो गई कि मौतें नहीं होती, लोग मरते नहीं। प्लस एक ही कारण मौतों का और वो है होमिसाइड, खून, मर्डर। अब इस मर्डर को रोकने के लिए इन्होंने एक नई कंपनी आई है, जैसे गूगल जैसी कंपनी है ना, ऐसी एक नई कंपनी आई है जिसने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया है इवेंट्स का। तो जितने भी मर्डर होते थे ये लोग पहले से उसको प्रेडिक्ट करके जो मर्डर होता था उसको पकड़ करके जेल में डाल। इट वॉज अ फ्लॉलेस सिस्टम जिसके जरिए एक शहर में, जैसे आजकल इलॉन मस्क एक शहर में वो नीचे कर रहे हैं ना बोरिंग कर रहे हैं, ऐसे ही एक शहर में जो मर्डर के रेट्स थे वो 1/10 हो गए थे, बहुत कम हो गया था। तो अब इसको कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च करें इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है बीच में। जो पुलिस वाला इस कंपनी में काम करता था
वो देखता है, उसका काम था स्क्रीन में देखना और अगले 24 घंटे में 48 घंटे में जो डेथ होने वाली है वो उसको बोलते थे विक्टम, जो मरने वाला है, और जो मारने वाला है वो है मर्डरर, तो मर्डरर को जाके पकड़ना है, और पुलिस वाला जाकर के पकड़ता था, और स्क्रीन पे देखा तो विक्टम एक आदमी मर रहा है और मर्डरर कौन है, ये पुलिस वाला। अब करो अपने आप को गिरफ्तार, क्योंकि अब तक तुमने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया इस तरह से। इट्स अ लवली मूवी। ये मुझे इस चीज़ से समझ में ये आया कि केवल इंटेलेक्ट से सोल्यूशन नहीं होगा लाइफ का, जो नेचर है, और नेचर को समझने के लिए अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं हम, तो हम अपनी बुद्धि से साइंटिफिक तरीके से दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्व करना इज़ नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल। इसका एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, हम देखिएगा ज़रूर, बताऊंगा नहीं यार। सेकेंड नंबर की जो मूवी है ग्राउंड हॉग डे, जो देखिए ना, उसी से इंस्पायर हुई है, बट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाई गई है। इसका नाम है द एज ऑफ टुमारो। इसमें भी उसी की तरह ग्राउंड हॉग डे की तरह एक आदमी है जिसको वॉर में जाना होता है और वॉर में मशीनों से लड़ना होता है, एलियन से, लेकिन हर रोज़ वही नया दिन आते रहता है। बट जब रोज़ रोज़ नया वही दिन होता है आपके लिए, सेम डे अगेन एंड अगेन, तो आप कैसे अपने आप को इवॉल्व करेंगे, कैसे चीज़ों को सीखेंगे। और पता है इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि ये भले झूठा लगे हम लोगों को कि हर रोज़ सेम डे नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ में जो भी आदमी सीरियसली देखेगा ऑलमोस्ट सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। सेम डे सेम वर्क। तो हाउ वी कैन चेंज आवर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज चेंज पता है तब तक नहीं आता हमारी लाइफ में जब तक हम खुद नहीं चाहते। बहुत से लोग पूछ रहे थे आज मुझसे कि एनलाइटनमेंट के बारे में तो आप बोलते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी और ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें नहीं, मतलब ढेर सारी गरीबी, भुखमरी और पता नहीं कौन कौन सी बताने शुरू कर दिया। बट जैसे जनों का बोलती है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से होता है, अपने अंदर से। प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब तक मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि मुझे चेंज होना है, मेरे अंदर में चोर है, मेरे अंदर में एक कल्प्रिट है और मुझे लगता है चोर है बट कोशिश करेंगे कभी निकालेंगे, अगर ये एटीट्यूड नहीं हटेगा। कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से बोलते, यू शुड सी योर सेल्फ एंड द मोमेंट यू सी इट एज डर्टी एंड अगली, उसी समय खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये फिल्म हेल्प करेगी आपको, एज ऑफ टुमारो नंबर वन। नंबर वन पे मैंने दो फिल्में रखी हैं एक साथ, एक तरफ शॉशैंक रिडेम्पशन, इसमें एक आदमी जेल में रहता है, कैसे जेल में से 20 साल तक जेल में रहने के बाद भी उसका मन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता, जेल के कैदी नहीं बन पाता वो। तो ये तो सस्पेंस पिक्चर है, इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं मुझे। आप कितने भी डिमोटिवेटेड हैं, कितने भी दुखी हैं, कितने भी परेशान हैं, कोशिश करके इस मूवी को एक बार देख लीजिए, शांत हो जाएंगे आप, चेहरे पर मुस्कुराएंगे, चाहे जेल के अंदर ही क्यों ना हो आप, चाहे माँ बाप के साथ जेल में फंसे। और फर्स्ट नंबर पे मैंने एक और मूवी रखी है, मेरी फेवरेट, माइकल क्लेटन। माइकल क्लेटन में जो मिस्टिकल चीज़ दिखाई है उसमें भी चेंज छटाक से होता है। जो माइकल क्लेटन में जो एक्टर है उसकी लाइफ में भी जो खट से चेंज आता है वो कैसे आता है वो आप देखेंगे। तो मेरे साथ भी वही हुआ है जो उस मूवी में हुआ है, ये आप देखिए। ये तो हो गया जीरो फ्रॉम 10 to 1। एक जीरो नंबर पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं और वो है नार्निया। नार्निया पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें पहली ऐसी मूवी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंसान नहीं बनाया गया। नॉर्मली जब आदमी लोग बनाते हैं ना कोई फिल्म, तो लोग इंसानों को हीरो बना देते हैं, सुपरमैन, ही मैन टाइप के लोग। इस मूवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इंसान नहीं है, शेर है, और वो नॉन पोसेसिव है, कुछ चाहिए नहीं उसको, ना पावर चाहिए ना कुछ चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है बट ही डजंट वांट एनीथिंग। पूरी पिक्चर में एक एक दो दो सीन में आता था खाली वो, और उसी में सीटियाँ बजाती थी हॉल में। मुझे भी अगर सीटी बजाने आती तो मैं भी सीटी बजाता था। अगर आप सीरियसली जानना चाहते हैं ना कि एक आदमी की गॉडली क्वालिटी क्या होती है, उस शेर को देखिएगा आप। अभी मैं उसी शेर की क्वालिटी कैसी होती है उसके ऊपर मैं स्टडी करके बना, मतलब उसकी उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना करके एक दो दिन में। मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में, बहुत अच्छी वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द जीरो नंबर पे माइकल क्लेटन
नहीं नार्निया। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा आप लोग, एक सीरीज है, टीवी सीरीज है, उसका नाम है हीरोज, HEROES। उसमें जैसे हमारे बहुत से फ्रेंड्स पूछते रहते हैं ना कि सर आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो सुपर पावर आ जाएगी तो क्या होगा, फिर तो बड़ा मजा आ जाएगा। उस मूवी में एग्जैक्टली दिखाया गया है, टीवी सीरीज में हीरोज में, कि जब लोगों के पास सुपर पावर आती है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती। एक उलझे आदमी के पास जब पैसा आएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पावर्स आएंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब तक यहाँ से जब चीज़ें सुलझी हुई नहीं है तो पावर्स सुझाती नहीं है आपको। ठीक है, ये तो हो गई टॉप 10 मूवीज, स्पिरिचुअल मूवी ऑफ द डे।